हाँ जी बाबा, हरेक नदी को 12 साल को एक बार पुष्कर में आते हैं बाबा। हरेक नदी को 12 साल को एक बार पुष्कर में आते हैं। हरेक नदी को पुष्कर नहीं माना, कुंभ मेला होता है ना बाबा। अरे 12 लाख के बाद, हाँ 12 लाख 12 साल के बाद, अरे 12 साल के बाद कुंभ होता है। हाँ, नदी को कह रही है ना। हाँ, पुष्करणी ब्राह्मण होते हैं ना, जिनको धक्का दे दे करके आगे बढ़ाया जाता है। खुद पुरुषार्थ नहीं करते, ड्रामा उनको धक्का देता है। 12 साल के बाद क्या है? 12 साल के बाद परिवर्तन होता है युग का, इसीलिए 12 साल दिए हुए हैं। और अभी गंगा काशी में गंगा, कुंभ का जो मेला होता है, ये ज्ञान कलश रखा जाता है। तिरुपति के बालाजी के मंदिर में जो बालाजी की मूर्ति है, उस मूर्ति के नीचे 365 तीर्थों के पानी बहते हैं। है? तो गिन के आया है लगता है, पानी को भी गिन लेता है, है? पानी गिनने में आएगा? है? पानी तो पानी में मिक्स होकर के एक हो जाता है। 365 तीर्थों के पानी बहते हैं, इसका बेहद में अर्थ क्या है? अरे एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। संक्षेप्तर है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, प्रत्यक्ष तो हुआ परंतु संपूर्ण बनने में कितने दिन लग गए? सतहत्तर हुआ संपूर्णता वर्ष, फिर ज्ञान क्लियर हो गया। तो हर दिन कोई न कोई ज्ञान का नया पॉइंट बुद्धि में आता रहता है या नहीं आता है? आता है। तो ये 365 दिन गाइए पानी के हिसाब से, कि उनकी मूर्ति के नीचे 365 तीर्थों का पानी बहता रहता है। तीर कहा जाता है किनारे को, तीर माने किनारा, ठिकाना, अथा माने स्थान। तो 365 दिन में 365 ठिकाने लगाने वाले स्थान हो गए। कोई कहते हैं कि बाबा को पोता मिल देने के बाद बाबा उस बात की और ही जास्ती परीक्षा लेते हैं। परीक्षा माया लेती है या बाबा लेते हैं? ये काम बाबा ने किसको सौंपा हुआ है? माया को ये काम सौंपा हुआ है कि जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको और फटकाओ, खूब परीक्षा लो ठोक ठोक के, कि अंदर से दिल साफ होकर के काम कर रहे हैं या दिल में अभी भी कालापन है, चालाकी भरी हुई है, मटमैलापन है। तो बाबा परीक्षा नहीं लेते हैं, कौन लेती है परीक्षा? माया परीक्षा लेती है। बल कोई अपना पूरा पोता मिल देते भी हैं, परंतु बाबा कहते हैं
एक ही है। लाखों में से एक कोई एक निकलते हैं जो अपना पूरा पोता मिल देते, बाकी छुपा लेते हैं, झूठा देते हैं, या 100% सच्चा पोता मिल देते हैं, छुपा लेते हैं। अगर छुपा लिया तो फिर वो गलती दोबारा करने की गुंजाइश है या नहीं है? है, है? इसलिए और ही जास्ती परीक्षा ली जाएगी। फिर कोई कहते हैं कि उस कमजोरी को अंदर से निकालने के लिए बाबा की मदद मिलती है। अरे बाबा की तो मदद मिलती है, बच्चे हिम्मत करेंगे तो बाबा मदद, तो मदद मिलती है। हिम्मत ही नहीं करेंगे तो मदद कहाँ से मिलेगी? मदद तो मिलती है, बाकी ऐसा नहीं है कि माया मदद कर देगी। माया तो पूरी परीक्षा लेती है। बाबा कोई लौकिक जन्म में किसी से प्यार करते हैं, फिर ज्ञान में आ जाते हैं, महामुसीबत। ज्ञान में आ जाते हैं और फिर अब कहते हैं इस जन्म में हम उन्हें धोखा देंगे तो किसी और जन्म में वो व्यक्ति हमको धोखा देगा, इसलिए हम उनके साथ निभाते हैं। तो क्या बाबा ऐसा होता है? अरे तुम जिसके साथ निभाते हो वो तो तुमको याद रहा, और तुमने आकर के बाबा के पास निश्चय पत्र लिख करके दे दिया सो भूल गया है? वो नहीं निभाना है, वो निभाना है या नहीं निभाना है? निभाना है, वो पहले निभाना है। तो क्या बाबा ऐसा होता है कि अगर हम उस लौकिक व्यक्ति से जिससे प्यार किया था लौकिक जन्म में उसके साथ हम नहीं निभाएंगे तो वो अगले जन्म में हमको धोखा देगा? अगले जन्म है नहीं बाबा। अरे यहाँ तो सारा हिसाब किताब यही पूरा हो जाना है सबका। अभी अगला जन्म में हिसाब किताब पूरा होगा क्या? नहीं, नहीं? तिरुपति के बालाजी मंदिर में मंगलवार और बुधवार को नजदीक से बालाजी के दर्शन हो सकते हैं और गुरुवार को बिना अलंकार धारण किए दर्शन होता है। उसको निज रूप दर्शन कहते हैं। उस दिन बालाजी की बड़ी तीक्ष्ण दृष्टि होती है। इस दिन सदगुरुवार के दिन तीक्ष्ण दृष्टि सदगुरु की नहीं होगी तो किसकी होगी? सदगुरु का पार्ट सबसे तीखा पार्ट है या लूज पार्ट है? तीखा पार्ट, सबसे तीखा पार्ट है। इसलिए गुरुवार को वहां कम गलतियां हों ऐसी कोशिश करते हैं। बेहद में क्या है,
संगम युग से टैली कर लो। मंगलवार किसका दिन माना जाता है? हनुमान का दिन। मंगलवार को हनुमान का दिन माना जाता है। हनुमान भगवान है कि जानवर है? जानवर है। वो तो जानवर है, वो जानवर तो अपनी जानवरियत दिखाएगा। उसको कौन सी ऐसी निशानी है जिससे जानवर दिखाई देता है? पूछ पूछ किस बात की निशानी है? काम विकार की। पूछ काम विकार की निशानी है। काम इंद्रियों की जगह पर वो काम विकार की निशानी दिखाई गई है। उनका दिन कौन सा है? मंगल। मंगलवार को हनुमान की पूजा होती है। हनुमान को क्या दिखाते? वो तो ब्रह्मचारी है, लेकिन वो जो ब्रह्मचारी है वो लौकिक जीवन में साकार में ब्रह्मचारी था या सूक्ष्म शरीर से ब्रह्मचारी है? वो हनुमान का पार्ट कब बजाते हैं? हनुमान के रूप में जो हवा में उड़ने का पार्ट दिखाते हैं वो कब की यादगार है? सूक्ष्म शरीर प्राप्त करने के बाद की यादगार है या स्थूल शरीर से पार्ट बजाने की यादगार है? सूक्ष्म शरीर से उन्होंने किसी में प्रवेश करके वो पार्ट बजाया है, जिसमें प्रवेश किया है वो तनधारी उनको उस समय जीत नहीं पाता है। किनको? हनुमान को। जब जीत नहीं पाता है तो सूक्ष्म शरीरधारी का प्रभाव ज्यादा रहेगा या स्थूल शरीरधारी आत्मा का प्रभाव ज्यादा रहेगा? है ज्यादा प्रभाव किसका रहेगा? सूक्ष्म शरीरधारी का प्रभाव ज्यादा रहता। तो ये पार्ट है, कोई हनुमान का दर्शन करते हैं, कोई सदगुरु का दर्शन करते हैं, कोई फिर न हनुमान का करते हैं न सदगुरु का करते हैं, बुद्ध का दर्शन करते हैं। बुद्धिमान नर अर्जुन, बुद्धिमत्ता का ज्यादा पार्ट बजाया। और बाप बुद्धिमानों को पसंद करते हैं या दिल वाले बच्चों को पसंद करते हैं? दिल वाले बच्चों को पसंद करते हैं। बुद्धिमानों की बुद्धि तो भगवान बाप स्वयं ही है, उसको कोई बुद्धि क्या दिखावेगा? बुद्ध का जो पार्ट है, जो अपन को भगवान के रूप में संसार में विख्यात किया है, भगवान बुद्ध, वो ना आत्मा को मानते थे, अपने सिवाय किसी दूसरे को परमात्मा भी नहीं बताया। तो नास्तिक हुए या आस्तिक हुए? ये तो नास्तिकपना हो गया। इसलिए आज भी एशिया में चीन, जापान, तिब्बत, नेपाल, ये बौद्ध धर्म फैला हुआ है। है तो भारत का धर्म, भारत से पैदा हुआ, लेकिन भारत में प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, विस्तार नहीं हो पाया। विस्तार विदेशों में हुआ या स्वदेश में हुआ? विदेश में हुआ। कुछ न कुछ पवित्रता का पार्ट बजाया है तो हनुमान की पूजा ज्यादा करते हैं। ऐसे थोड़े ही है
कि सब कोई अलंकार रहित निज रूप का दर्शन कर लेगा, सब कर सकेंगे क्या? जो जन्म जन्म के भिखारी हैं उनको भिखारी के रूप में दर्शन होता है, जो निर्विकारी रह गए रहे हैं उनको निर्विकारी सदगुरु के रूप में दर्शन होता है। अलंकारों की फिर दरकार नहीं है, ये तो दिखावा है। बाबा अच्छा काम करने के लिए पंचांग देखते हैं ना, तो पंचांग क्या? जब राम जी का विवाह हुआ था तो वशिष्ठ जी ने पंचांग देखा होगा कि नहीं? फिर क्या हुआ? फिर सीता को दुख मिला या सुख मिला जीवन में? ये सब टंट घंट है, ये कोई जरूरी नहीं है कि इनसे ही सुख मिलता है। अगर इनसे सुख मिले तो सब सुखी हो जाएं। ये तो भगवान ही आकर के सुख का रास्ता बताता है। रास्ता बताता है, पांच अंग हैं ज्ञानेन्द्रियां, उनके कार्य व्यवहार को देखो। जो पांच भ्रष्ट अंग है उनको छोड़ दो तो जीवन में सुख ही सुख हो जाएगा, दुख का नाम निशान नहीं रहेगा। ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ दिया, सारी दुनिया ने शरीर छोड़ दिया, धर्म पिताओं ने शरीर छोड़ दिया। हाँ फिर राम वाली आत्मा भी शरीर छोड़ देगी? हद में छोड़ना जरूरी है या बेहद में भी छोड़ना जरूरी है? शरीर हद में ही छूटेगा सारी दुनिया का कि बेहद में भी शरीर छूटेगा? अरे सारी दुनिया का शरीर छूटना है दोनों तरीके से ही या नहीं? हद में भी छूटता है और बेहद में भी छूटता है। बेहद में जब शरीर छूटेगा तब आत्मा ऊर्ध्वगामी बनेगी, परम धामवासी बनेगी, फिर सुखदाम वासी बनेगी। अगर बेहद में शरीर नहीं छोड़ पाया तो परमधाम वासी भी नहीं जल्दी बनेगी और सुखदाम वासी भी नहीं बनेगी। तो बेहद में शरीर छोड़ने वालों में पहला नंबर किसका होगा बताओ? किसका होगा? जिसने हद की गोद में खिलाया होगा उसका होगा, या बेहद ज्ञान की गोद में खिलाया होगा उसका होगा? है तो कौन खिलाता है? ब्रह्मा हद की गोद में बच्चे खेले या बेहद की गोद में खेले? और राम वाली आत्मा बेहद ज्ञान रत्नों में खिलाती है। तो हद बेहद का सवाल है। शरीर तो सबको छोड़ने हैं, कोई पहले छोड़ेगा और कोई बाद में छोड़ेगा। आगे बंद करके नहीं है?
आंखें बंद करके तो बन सकती है। आंखें बंद कर ली तो कोई दिखाई पड़ेगा है? आंखें बंद करके निर्विकारी आत्मा बन सकती है कि नहीं? आंखें हमने बंद कर ली तो परीक्षा सच्ची होगी या झूठी होगी है? जब आंखों ने किसी को देखा ही नहीं तो ये पक्का पुरुषार्थ है या कच्चा पुरुषार्थ है? ये तो कच्चा पुरुषार्थ हो गया, ये तो सन्यासियों वाला पुरुषार्थ हो गया। दूरवाज खुशवाद ज्ञान इंद्रियों को इन आंखों से देखो। ये कहाँ कहाँ है इन आंखों से देखो? निर्बल जो बनता है उसको और निर्बल बनाना है, कमजोर बनाना है कि तुम बंद हो जाओ। कोई भी इंद्रिय है, ऋषि मुनि लोग जो इतने बड़े बड़े ऋषि बने, बड़े बड़े तुम्हारी बुद्धि में बैठे हैं, बाबा उनको क्या कहते हैं? बड़े से बड़े पापी कहते हैं, रास्ता भटकाने वाले कहते हैं या पुण्यात्मा कहते हैं है? बाबा क्या कहते हैं मुरली में? क्या कहा उनके लिए? अरे उन्होंने दुनिया को भटकाया है या रास्ते पर ठिकाने लगाया है? भटकाया है। उनके मुकाबले तो दुनिया के साधारण लोग अच्छे हैं, उन्होंने कम से कम दूसरों को तो नहीं भटकाया। से वो हम कह के बैठ गए, ये भटकाना हुआ या ठिकाने लगाना हुआ? भटका दिया। तत्व प्रधान के है, वो तत्व प्रधान के हाँ, तत्व प्रधान द्वापर के आदि में थे। तभी भटकाया था क्या? तब नहीं भटकाया, लेकिन तब भी वो खुद भटके हुए थे, क्योंकि भगवान को तो नहीं जानते थे। तो भगवान को जानते थे क्या? नहीं। द्वापर के आदि में विक्रमादित्य का जो भी गुरु रहा होगा वो भगवान को जानता था? भगवान को जानता था या भक्ति मार्ग का रास्ता बता दिया, स्थूल लिंग बनाई दिया? अब भगवान कोई स्थूल पत्थर का लिंग होता है क्या? पत्थर के लिंग में आता है क्या? अरे हीरा भी तो पत्थर ही होता है। भगवान कोई स्थूल हीरा है क्या? स्थूल है या चैतन्य है? चैतन्य वो तो चैतन्य हीरा है। ये बात बुद्धि में किसी के नहीं, नहीं आई। द्वापर के आदि से भी भले शास्त्रों में उन्होंने जो कुछ लिखा वो शास्त्रों के हिसाब से सात्विक बुद्धि कही जाएगी, क्योंकि उस समय भगवान को सर्वव्यापी तो नहीं मानते थे। ये तो बाद में कहने लगे हम सर्वव्यापी है, भगवान सर्वव्यापी है, जब कहीं नहीं मिला खोजन से तो अपन कोई भगवान का मानने लगे। कहने का मतलब है कि द्वापर से ऋषि मुनि लोग अपना पाठ बजाते हैं। हाँ, ऋषि मुनि कोई दूसरे थोड़े ही होते हैं, हम ही लोग तो ऋषि मुनि होते हैं, हम ब्राह्मण ही तो ऋषि मुनि बनते हैं। वहाँ पर भगवान तो होता नहीं, वहाँ पर कलयुग में भगवान तो होता नहीं। एक बात है, तो लोगों का सहारा कौन रहेगा? लोगों का सहारा कौन रहेगा? वो सहारा देना, एक झूठा सहारा देना और एक सच्चा सहारा देना, उसमें अंतर नहीं है। झूठा सहारा देना, हम ही भगवान है, शिवो हम व्यास भगवान है, हम हमारी मान्यता करो, ये झूठा सहारा दिया या सच्चा सहारा दिया? दुनिया में रावण की दुनिया में वो जाए कहाँ? जाए कहाँ? अपने अपने स्वरूप को याद करें। कहीं जाना दूसरों को पकड़ना जरूरी है क्या? भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई और दूसरे धर्म के लोग आगे बढ़ गए, दूसरे धर्म के लोगों ने हमारे ऊपर आधिपत्य जमा लिया। कारण क्या हुआ?
हमको गुरुओं ने अंधश्रद्धा सिखा दी, इसलिए हम नीचे गिर गए और उन्होंने बुद्धि से काम लिया। हजार नियामत है मनुष्य की अपनी बुद्धि, इस ज्ञान में भी हम अपनी बुद्धि से फैसला करके आए हैं या सुने सुनाए आधार पर आ गए। क्या किया हमने? हमने अपनी बुद्धि से फैसला किया क्या राइट है क्या रंग है, तब भगवान को पहचाना। उस समय हम सुन सुनाई बातों के आधार पर भारतवासी चल पड़े, इसलिए भारतवासी सबसे नीचे गिर गए, अंधश्रद्धालु अंधविश्वासी बन गए, बुद्धिहीन बन गए, नैनहीन बन गए और दूसरे धर्म के लोग हमारे ऊपर शासन करने लगे। इनके चमड़े में नहीं आएंगे तो कम से कम रावण के चमड़े में चल जाएंगे। रावण भी तो प्रबल होता रहता है। अरे रावण कोई दूसरा थोड़े ही होता है, मनुष्य गुरु ही तो रावण होते हैं। रावण है मनुष्य गुरु ही रावण बन करके बैठते हैं। और हाँ जी अभिवाणी में चिले अभिवाणियों का है, माताओं का संगठन बनाना है, जैसा कन्याओं का क्लास होता है ना, ट्रेनिंग क्लासेस होते हैं ना, माताओं का जो मददगार है उनके लिए भी क्लास ठीक है, उनके उनका भी माताओं का भी चाहिए, माताओं का भी संगठन बने, माताओं की भी, माताओं का पार्ट अपना है, कन्याओं का पार्ट अपना है, कन्याओं के अपने प्रकार की सेवा है, क्योंकि कन्याएं तलवार का काम करती हैं, माताएं ढाल का काम करती हैं, तो ढाल की ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मधुबन में होगा, मधुबन में भी हो सके, कहीं भी हो, माताओं को बुलाकर। हाँ हाँ बिल्कुल होना चाहिए, इसके लिए क्लैरिफिकेशन मांग। हाँ जी इस बात का क्लैरिफिकेशन दीजिए, इस बात का तुम्हें जैसे कन्याओं को समझाना है कि कन्याओं का पार्ट क्या है, कैसे उनको जीवन में चलना है, वैसे माताओं को भी उनकी ड्यूटी बतानी है। नहीं तो माताएं सेवा करने के हिसाब से तो आती हैं, लेकिन जो उनकी खास ड्यूटी है कन्याओं की सुरक्षा करने की वो नहीं करती, क्योंकि जानती नहीं, जानती नहीं। बाबा कोई भट्टी करते हैं फिर उनको इतनी परेशानियां क्यों आती हैं? अरे बता दिया, भट्टी तो बेहद का गर्व है, जैसे गर्भ में आत्मा पकती है बच्चा बनने के लिए, ऐसे ही ये बेहद की भट्टी है जहाँ आत्माएं ज्ञान योग की भट्टी में पकती हैं। वो लौकिक जन्म लेते हैं तो क्या ये गारंटी होती है कि उनकी परेशानियां कम हो जाएंगी? कम होती हैं कि जन्म बाई जन्म और ज्यादा बढ़ती जाती है, है? बढ़ती जाती है। हाँ ये जरूर है कि कोई सूर्यवंशी आत्माएं हैं द्वापर के आदि में जन्म लेती हैं तो उनकी परेशानियां इतनी नहीं बढ़ती। जो इस्लाम वंश में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं उनकी परेशानियां शुरू से ही बढ़ जाती हैं। तो ये अपने अपने पुरुषार्थ की बात है, ऐसे नहीं है कि भट्टी करने से परेशानियां कम हो जाएंगी। भट्टी की और भट्टी में जो बातें बताई गई और ईश्वरीय ईश्वर को पहचाना भट्टी करने के बाद, क्योंकि जन्म लेने के बाद ही बच्चा बाप को पहचानता है माँ को पहचानता है और माँ के बताई हुई बात पर बच्चा न चला तो परेशानी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। माँ तो कहती है आग में उंगली न दे चल जाएगा, और बच्चा क्या करता है उसी आग को बार बार पकड़ता है, तो दुखी होगा रोएगा या खुश होगा? दुखी होता है। ऐसे यहाँ भी भगवान बाप तो आए हुए हैं,
बाप के घर में जाकर के बच्चा जन्म लेता है, कोई न कोई माँ बन करके उसका पोषण करती है, जन्म लेने के निमित्त बनती है। अब बच्चा माँ की बात माँ की समझाने को ना माने तो बच्चा दुखी होगा, परेशान होगा, या परेशानियां दूर होंगी और ही परेशानियां बढ़ती जाएंगी। तो बाबा भक्ति करने के बाद आपकी ही बच्ची बन गई, फिर इतना परेशानी क्यों? अरे बाबा तो कहते भगवान के बच्चे तो बन गए, बड़ा अच्छा किया, लेकिन भगवान के बच्चे बन गए ये तुमने दुनिया में भी तो शोहरत कर दी कि हमें भगवान मिल गया। शोहरत की या नहीं की कि हमें भगवान मिल गया? फिर दुनिया वालों को ये पता चल गया तुम्हें भगवान मिल गया तो चलन कैसी होनी चाहिए? भगवान के बच्चों जैसी चलन होनी चाहिए या चलन दुनिया वालों से भी बदतर हो जाए? भगवान के बच्चों जैसी चलन होनी चाहिए, उस चलन तो बिगड़ी हुई रहती है। तो जब बिगड़ी हुई चलन बन गई, सुधार हुआ ही नहीं कुछ भी, तो फिर परेशानी बढ़ेगी घटेगी? परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि बाप तो बता देते हैं, रोज बुढ़ियों बताते हैं कि बाप के बच्चे बन गए, फिर अगर पाप कर्म किया तो 100 गुना बोझ चढ़ता है। कोई पाप बार बार हम करते हैं श्रीमद के बरखिलाफ, 100 गुना बोझ चढ़ता जाता है। 63 जन्मों में पाप ज्यादा हुआ या इस अंतिम जन्म में पाप ज्यादा बढ़ता है? अंतिम जन्म में 100 गुना पाप रोज चढ़ता रहता है, रोज कोई न कोई भूले होती रहती है। भूले में तो बोला 10-20-50 भूले रोज करते हैं, बताओ कितने गुना पाप चढ़ता होगा? अब इतना गुना पाप चढ़ेगा तो परेशानियां बढ़ेगी या घटेगी? फिर भगवान को दोष देते हैं, हम भगवान के बच्चे बने तो परेशानियां क्यों बढ़ रही है हमारी? हे भगवान, भगवान को जने हम जाते हैं अपने घर। कोई प्यार से कोई चीज देते हैं तो लेना चाहिए या नहीं? प्यार से कोई चीज देते हैं तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? गिफ्ट वगैरह देते हैं ना तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? दो तरह के बच्चे हैं, एक है घर गृहस्थ में रहने वाले बच्चे और दूसरे हैं जिनका घर गृहस्थ की बात खत्म हो गई, वो बेहद बाप के घर गृहस्थ के बच्चे बन गए, सरेंडर हो गए। तो सरेंडर हो गए उनका लेन देन किससे होना चाहिए? एक बाप दूसरा न कोई। अगर दूसरों से हिसाब किताब रखेंगे तो माया का जो लास्ट पेपर होगा, फाइनल पेपर, उसमें फेल हो करके फिर उन्हीं के पास चले जाएंगे जिससे लेते रहे, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो पुत्र संबंधी हो, कोई भी हो, बाप से जुदा हो जाएंगे। तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ये तो सरेंडर्ड वर्ग की बात है, और जो नॉन सरेंडर्ड है, घरग्रस्त में रहने वाले हैं, उनके लिए बताया है दोनों तरफ तोड़ निभानी है, लौकिक परिवार वालों के साथ भी तोड़ निभानी है और अलौकिक परिवार वालों के साथ भी तोड़ निभानी है। तोड़ निभाने का मतलब ये है कि हमें भगवान बाप मिला है, बाप से हमें सब कुछ मिलता है, बाप तो सर्वसमर्थ है, भंडारा भरपूर रहता है बाप का, शिव का भंडारा भरपूर, सब तरह के कालकंटक दूर। तो हम दुनिया वालों से लेने की इच्छा रखें क्या? लेने की इच्छा नहीं है,
लेकिन दुनिया वाले नाराज हो जाएंगे, इसलिए अगर वो देते हैं तो प्यार से ले सकते हैं, लेकिन फिर हम भी उनके साथ लौकिक व्यवहार निभाएं या नहीं निभाएं? हम भी निभाएं, उसका अजूरा हम उसको दूसरे रूप में दे, ज्ञान नहीं, वो ज्ञान ज्ञान को नहीं मानते। ये नहीं लाखों रुपए का तुम गिफ्ट लेते रहो और फिर उनको दो ज्ञान तो सब सुना दो। एक तरफ लेना है और दूसरी तरफ देना भी है, हमारे ऊपर कोई भी भोजन नहीं, प्यार से लिया है उसी प्यार से उनको वापस वापस कर दो। तो बाबा देवताएं तो देते हैं, लेते तो नहीं है ना, हमारा लक्ष्य तो देवता बनने का है, तो उनसे ले में या नहीं ले में? बाबा कहते हैं कि पुराने पत्ते गड़ जाते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं, तो बाबा ये वेद में अगर इस बात को लेंगे तो पुरानी आत्माएं चली जाएंगी, तो फिर लास्ट में वो फिर आ जाती है, क्योंकि हस्ती तो एक ही है, जावेंगे कहां, तो लास्ट में आवेंगे ना, तो फिर ये कैसे कि पुराने चले जाते हैं नए आ जाते हैं? अरे बाहर की दुनिया में जाएंगे तो दुख भोगेंगे या सुख भोगेंगे? और ही जाति सुख भोगते हैं, जाति दुख भोगते हैं, परेशान हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, तो फिर वापस बाप के पास आ जाते हैं। पश्चाताप करने के बाद जब आत्मा दोबारा वापस आएगी तो नए पत्ते के रूप में आएगी या पुराने पत्ते के रूप में आएगी? फिर नया जन्म मिलता है। सबसे बड़ा आतंकवादी लादेन है, उसको मार दिया, उसने शरीर छोड़ दिया, इसका बेहद का अर्थ क्या है? अरे बेहद में शरीर छोड़ देना किस बात को कहा जाता है? देहबान छोड़ना माने शरीर छोड़ना, तो बड़े में बड़ा आतंकवादी कौन है? लादेन, हाँ लादेन तो है, नाम तो दे दिया, बाबा ने बता दिया, बेहद में अर्थ भी बता दिया, क्या ओ सामा बिन लादेन, ओ तेरी सामत आ गई, बिना लाए दिए नहीं छोड़ूंगा, जो कुछ है निकाली रख देना, इतना ही करता हूँ। ये डकैत क्या करते हैं? ये आतंकवादी होते हैं ना, तो दुनिया का सबसे बड़ा बेहद में आतंकवादी कौन है? ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे बड़ा आतंकवादी कौन है? मुस्लिम धर्म की आत्मा होगी, कौन? मुस्लिम धर्म की आत्मा होगी। जो इस्लाम धर्म है उसका जन्म किससे होता है?
है, बाप से बाप से जन्म होता है, डायरेक्ट बाप से जन्म होता है कि चंद्रवंशियों से जन्म होता है? कौन है चंद्रमा? फिर दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा धर्मगुरु देहधारी कौन? दुनिया का बड़े से बड़ा देहधारी धर्मगुरु साबित हो जाता है इसलिए उसकी पूजा ही नहीं होती। मंदिर ही नहीं बनते, मूर्तियां ही नहीं बनती। और रावण का सबसे बड़ा सिर कौन? काम विकार। पांच विकार मिलकर के रावण के सिर बने। सबसे बड़ा सिर है काम विकार, और उन सिरों का बाप कौन? वो गधे का पार्ट बजाने वाला कौन? ढेर सारा वजन ला दिया गया कपड़ों का। वो कपड़े सिंध हैदराबाद से लेकर के कराची होते हुए कहां तक ला दिए? धोबी घाट तक ला दिए। आज में भी धोबी घाट था, परंतु वो धोबी भी गया और धोबी घाट के कपड़े भी गए। और भी धर्मी आत्माओं के संग में के रंग में रंग गए। कोई धोबी और कोई धोबी घाट में तो खर्च हो जाता। गधे का काम क्या हुआ? कपड़ों को कहां तक लाना? धोबी घाट तक लाना। में झगड़े की मूल कारण क्या है? झगड़े की जड़ क्या है? इस ज्ञान यज्ञ में इतने विघ्न क्यों पड़ते हैं? कारण क्या है? है पवित्रता। और पवित्रता जो है अच्छी चीज है बुरी चीज है? अच्छी चीज है तो विघ्न पड़ने चाहिए या विघ्न दूर होने चाहिए? है दूर होने चाहिए। तो विघ्न तो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? बढ़ रहे हैं। इसका मतलब पवित्रता के मूल मंत्र को समझा है या नहीं समझा है? नहीं समझा है तो पवित्रता की जगह अपवित्रता बढ़ेगी या पवित्रता बढ़ेगी? अपवित्रता बढ़ती है। सिर्फ मुख से चिल्लाने से नहीं हो जाता पवित्र पवित्र पवित्र। ब्रह्मा बाबा पवित्र 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 बोलते तो थे, कटाय माताएं गोद में भी जाती थी। क्या वो शरीर पूजा जाता है? क्यों नहीं पूजा जाता? चाहे बूढ़ा ही क्यों ना हो 70 साल का, अगर एंटी सेक्स वाली कन्या माताओं को गोद में लेगा तो शक्ति क्षीण होगी या नहीं होगी? शक्ति क्षीण होती है। वो पतित पना हुआ या पावन पना हुआ? बुद्धि क्षीण हुई, शरीर की शक्ति क्षीण हुई या नहीं हुई? अंदर अंदर क्षीण हो गई। देखने वाला उनको चले जाना। ये हठ पूर्वक पवित्र रहना हुआ या सहज सहज पवित्र हुआ? हठ पूर्वक इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। पवित्रता के रहस्य को नहीं जाना कि भगवान आकर के गृहस्थियों को गृहस्थी जीवन में रहते हुए पवित्र बनना सिखाते। स्त्री पुरुष साथ साथ रहे और साथ रह करके भी जो शिव बाबा के मंदिर की यादगार है, क्या यादगार है? शिव भी रखा है लिंग के रूप में, उसका लिंग ही पूजा जाता है। काम विकार की जहां बात आती है वहां लिंग को कंट्रोल करना मुश्किल है। संग में रह करके, और वो यादगार दिखाई गई है। संग में भी है फिर भी अमोघ वीर्य है। ये वीर्य स्थलित होता है, अमोघ वीर्य।
तो वो अमोघ वीर होने के कारण वो पूजा जाता है। ये है असली पवित्रता। तो पवित्रता का अर्थ न जानने के कारण बड़ा भारी विवाद हो गया यज्ञ में। और यज्ञ के आदि में ही झगड़ा फसाद शुरू हो गया। धोबी घाट यज्ञ के आदि में भी चलता था, परंतु ब्रह्मा की बुद्धि ने उस धोबी को और धोबी घाट के कृत्य को पहचाना कि छोड़ छाड़ के भाग गए कराची में, भाग गए, उन्हें झगड़ा पसंद नहीं था। बुद्धि नहीं समझ सकी कि गेट में टू हैवन इज महाभारत, ये सत्य असत्य का युद्ध जब तक नहीं लड़ेंगे तब तक स्वर्ग के गेट में घुस भी नहीं सके। तो बड़े से बड़ा दुनिया का धर्म कौन साबित हो जाता है? कौन? ब्रह्मा। सबसे ज्यादा डकैती किसने डाली है? दुनिया की व्यापारियों ने डकैती डाली है, खेती करने वाले किसानों ने डकैती डाली है, या इन गुरुओं ने डकैती डाली है? है? गुरुओं ने बड़ी से बड़ी डकैती डाली है। और गुरुओं में सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा गुरु साबित होता है वो ही लादेन साबित हो गया। क्यों? वो खुद उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है। गीता का भगवान कौन है? कोई दूसरा नहीं है साकार में भगवान। साकार में भगवान मैं कृष्ण की आत्मा हूं, ब्रह्मा हूं। तो भगवान क्या करेगा? भगवान करेगा आओ हमारी संघ के रंग से पावन बनो। जो भी रोटी बेटी है वो सब अर्पण करो, ला देना, तन मन धन जो भी है सब मेरे को स्वाहा करो, मैं तुम्हें नई दुनिया दूंगा। ये ठीक रास्ता हुआ या उल्टा रास्ता हो गया? है? क्यों उल्टा हो गया? वो गीता का साकार भगवान है वास्तव में? है? नहीं है। प्रैक्टिकल में साकार में मुकर्रर रखो हो फिर तो ठीक है। इसलिए दुनिया में शिव और शंकर को मिला दिया है, शिव और ब्रह्मा को मिलाकर एक नहीं किया है। जो शिव है वही शंकर है, जो शंकर है वही शिव है। शिव शंकर को एक मान लिया गया। भले वो एडवांस में आ चुके हो तो उनको जन्म जरूर मिलेगा। जन्म लेके ही कुछ शब्द पूरा करेंगे क्या? जन्म लेकर कुछ शब्द पूरा करेंगे क्या? जन्म लेकर कुछ शब्द एक बार एडवांस में आ गए हैं, इस ज्ञान का विनाश होता है क्या? यज्ञ के आदमी जिन्होंने शरीर छोड़ा ज्ञान लेकर के, उनके ज्ञान का विनाश होता है कि दोबारा जन्म लेकर एडवांस में आ गए? वो भगवान का ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है, वो अगला जन्म लेने पर ऐड हो जाता है। किसी ने पूछा है
एडवांस में जो मुरली खंड एक है उसमें छोटी माँ जो कहती है कि मुझे सच्चा साथी मिल गया, उन्होंने अपना जन्म 1945 में बोला, लेकिन बाबा ने 1947 में उनका जन्म बताया। बाबा ने नाम लेकर के किसी का नहीं बताया, बाबा ने तो सीधी सीधी बात बताई, कोई 20 कोई 25 वर्ष के हो गए होंगे। तो बाबा ने तुम्हारा बोला है या उनका बोला है? तुम्हारा जन्म भी हुआ ना जब पाकिस्तान बना, तो बाबा ने किससे बात की है? एडवांस में युद्धमाला के मणकों से बात की है या विजयमाला के उन मणकों से बात की है जो अभी ज्ञान में ही नहीं आए? किससे बात की? तो रुद्रमाला के मणकों में बड़ी माँ है या छोटी माँ है? मुझे भी यही तो बोला, जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ। ये तुम्हारा विजयमाला की आत्मा के लिए बोला गया या रुद्रमाला की बड़ी मम्मी के लिए बोला गया? बड़ी माँ के लिए बोला गया। ये बात लागू नहीं होती है। बाबा, कोई कोई आत्माएं मोह के वशीभूत होकर के अपने लौकिक संबंधियों को ही प्रेफरेंस देती हैं, और बाबा कोई श्रीमत सुनाते हैं तो बाबा को उनकी सूटी बातें बोलने लग पड़ते हैं। परंतु फाइनल परीक्षा तो नष्टोबोवा की ही है, तो फिर ऐसी आत्माएं किस लिस्ट में आवेंगी? आत्माभिमानी सूर्यवंशियों की लिस्ट में आवेंगी या देह अभिमानी दूसरे दूसरे वंशों की लिस्ट में आवेंगी? किस लिस्ट में आवेंगी? जो अपने लौकिक संबंधियों को ही हर बात में प्रेफरेंस देती है, जो और धर्म है उनको आत्माभिमानी कहेंगे या सूर्यवंशियों को आत्माभिमानी कहेंगे? फाइनल पेपर में सूर्यवंशी आत्माभिमानी साबित होंगे, और जो और वंश में जाने वाले हैं वो देह अभिमानी साबित होंगे। हाँ जी, ब्राह्मणों की दुनिया में धर्मसत्ता और राज्य सत्ता अलग अलग हाथों में है। हाँ जी, तो धर्मसत्ता वालों को है, धर्मसत्ता वालों को हाँ, राज्य सत्ता वालों पर विजय पाने के लिए क्या पंक्ति है? धर्मसत्ता वालों को राज्य सत्ता वालों के ऊपर विजय पाने के लिए विजय पाने की क्या बात है? हमारी तो है ही पॉलिटी और रिलीजन, रिलीजियस अलग अलग आते हैं। हमारा रिलीजन भी है और हमारा पॉलिटिकल भी है, हमारा युद्ध नहीं है, हमारा धर्म भी है, और धर्म के साथ साथ हम राजधानी भी स्थापन कर रहे हैं। ऐसा है कि राजधानी स्थापन कर रहे हैं, धर्म स्थापन नहीं कर रहे हैं, धर्म की भी स्थापना हो रही है और साथ साथ राजधानी का भी फाउंडेशन लग रहा है। हमारी लड़ाई नहीं है, हम धर्म को और राजाई को दोनों को साथ साथ लेकर चलते हैं। बाबा, माताओं को ट्रेनिंग देने के लिए इसमें ये लिखा है कि अलग दिन रखना है, क्या अलग दिन? सात दिन से थर्सडे के दिन कन्या माताओं का संगठन होता है, है? कन्या माताओं के संगठन तो थर्सडे होता है, तो उसमें माताएं आ गई ना, आ गई ना, तो अलग से और एक दिन रखना है क्या? अगर कन्याओं का संगठन अलग रखना है तो माताओं का भी संगठन रखना है, कुमारों का भी संगठन रखना है, फिर अधर कुमारों का भी अलग संगठन रखना है। ट्रेनिंग के लिए? आप ट्रेनिंग के लिए ही, अधर कुमारों की समस्याएं अलग होती है, कुमारों की समस्याएं अलग होती है, कुमारियों की समस्याएं अलग होती है, और अधर कुमारियों की समस्याएं अलग होती है।
सबको प्रेफरेंस देना चाहिए। तो संस्थे के दिन ही माताओं को समझाना क्या? ट्रेनिंग माताओं को संस्थे के दिन ही समझाना है क्या? ट्रेनिंग देना है क्या? पैसा देना तो पूछा गया है। हर काम पहले हेड ऑफिस से शुरुआत होगा या दूसरी जगह शुरुआत हो जाएगा? वहाँ से शुरुआत, अभी तो कुमारियों की शुरू हुई है ट्रेनिंग। है इसका शूटिंग कैसे होगा? भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग में भक्ति करते हैं तो ये बजाय में क्या मिलता है? अरे भक्ति का कोई फल मिलता है कि नहीं मिलता है? क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। ज्ञान मिलता है ज्ञान के बाद? पहले ज्ञान आता है कि पहले ज्ञान दाता आता है? ज्ञान आता है। जब ज्ञान मिल गया तो ज्ञान के आधार पर जानकारी, ज्ञान माने जानकारी, जानकारी मिल गई तो भगवान मिल जाएगा। मिल जाता है कि नहीं? भगवान मिल गया, अंतर हुआ कि नहीं? 10 साल आपके बेकार गए या कारोबार में गए? है बेकार गए? हाँ बेकार नहीं गए। ऐसे ही 63 जन्म हमारे बेकार गए या कारोबार में गए? कारोबार में गए, बेकार थोड़ी गए। ड्रामा सारा का सारा कल्याणकारी। टाइम हो गया है? है इसका पता चल रहा है जो गलतियां करी, जो पता चल रहा है जो गलतियां चल रहा। बात क्लियर नहीं हो रही है। जो जो सारी गलतियाँ मालूम हो रहा मेरे को, अपने गलतियाँ जन्मों का मैं क्या करी है, जन्म में पूरे उनके उनके करे थे मालूम हो रहा है, उल्टे उल्टे करी होती है, उल्टे उल्टे करी बन गए। आपका कीमत का नेचर है, पूरे उल्टे काम करी बन गए, पता चल रहा। जन्म लेना बोले तो बच्चे लिए तो बच्चे करना है, पूछ रही है बच्चे करना करे ना करके आए ना बच्चे। तो बार बार गलतियाँ हो रही है, ब्रह्मा में मुझे देखा जाए, इधर भी बन के लेकर। हाँ सही सही पोता में लिख करके दे देना चाहिए। जो गलतियाँ हुई है उनको लिख करके देने से आधा हल्कापन आ जाता है और आधा फिर बाबा की याद से खत्म कर देना है। अमृत बेला करना है और अपना पोता भी लेके देना है। जब गए बताया गया हो गया ट का बोर्ड लग गया दो बार है, थोड़ा और बढ़ा देते हैं। है बाबा अभी बताया गया हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तुम्हारा जन्म हुआ, ऐसा कहा है बोल लिया। तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम्हारा किनसे मिलते हैं? रुद्रमाला के मड़कों से या विजयमाला के मड़कों से? तो बाबा ये रुद्रमाला के मंत्र से कहेंगे तो उस समय मुखिया भी नहीं था। है उस समय मुखिया तो शरीर छोड़ दिया, मुखिया शरीर छोड़ दिया, और जो बड़ी माँ थी उनको 45 में ही शरीर छोड़ दिया। बड़ी माँ का? हाँ। ये तुमने कैसे जान लिया? 45 से बाबा के वाक्य को मानोगे? मानेंगे। तो तुमने किससे कहा, बड़ी माँ से कहा या छोटी माँ से कहा? अरे वो तो ब्रह्मा बड़ी माँ के लिए लागू होगा करके अभी बोल रहे थे। हाँ वो बड़ी माँ के लिए लागू होता है। वो कैसे करके मैं पूछा? अरे तुमसे किससे कहा जा, तुमसे तुमको तुम किसको कहा जाएगा? तो सन्मुख में
बड़ी माँ है या छोटी माँ है? बड़ी माँ। तो बड़ी माँ के लिए बोला गया। तुम्हारा जन्म भी हुआ, उसका जन्म थोड़े ही, उनका जन्म थोड़े ही, वो तो चंद्रवंशी है। बाप सूर्यवंशी को पढ़ाने आए हैं या चंद्रवंशियों को पढ़ाने आए? सूर्यवंशियों को पढ़ाने आए। तुम बच्चे फिर औरों को पढ़ावेंगे, और धर्म वाले हम किससे पढ़ेंगे? बाबा उस समय जीवित थी क्या? है उस समय जीवित थी क्या? कौन? बड़ी माँ। दोनों माताएं थी नहीं यज्ञ में? थी। क्या बात? 43 में जन्म हुआ था। 43 में? हाँ, जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। जरूर बड़ी माँ ने शरीर छोड़ा होगा। जब पाकिस्तान बना तब